बाद मिड डे मील योजना में घपले का मामला पकड़ में आया है। पिछले दिनों कराई गई जांच में जिले के सभी 9 ब्लॉकों में कुल 343 मामले सामने आए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में मिड डे मील न बंटने की लगातार मिल रही शिकायतों के बाद जिलाधिकारी ने जांच के आदेश दिए थे। जिलाधिकारी ने बताया कि अब 343 पूर्व ग्राम प्रधानों से वसूली के आदेश के साथ आरसी जारी कर दी गई है। जानकारी के मुताबिक प्रशासन ने घपला करने वाले ग्राम प्रधानों से 15 दिन के अंदर रिकवरी का पैसा जमा करने के आदेश दिए हैं। 5 साल में जो मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायतों को विद्यालयों को जो कन्वर्जन कॉस्ट दिया गया था प्लस उसके साथ साथ खाद्यान्न जो दिया गया था उसके जब डॉक्यूमेंटेशन चेक किया गया, चेक करने पे ये ज्ञात हुआ कि लगभग 8 करोड़ के आसपास का खाद्यान्न प्लस कन्वर्जन कॉस्ट का जो है इनके पास रिकॉर्ड्स मिल नहीं रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली जो है इनको एक नोटिस सभी लोगों को दिया गया था। कुल जो नोटिस इशू हुए थे 446 नोटिस इशू हुए थे जिसमें सभी प्रधान भी थे प्लस 172 जो है ग्राम पंचायत विकास अधिकारी भी इसमें थे। ये कुल जो है करीब 8 करोड़ के आसपास का ये था। इसके बाद नोटिस देने के बाद कुछ लोगों ने उत्तर दिया, उत्तर देने के बाद उसका परीक्षण किया गया। परीक्षण करने के बाद जो संतुष्ट किया गया जिनका रिकॉर्ड्स बाद में इन्होंने मिलान किया उसको हटा के अंतिम रूप से 343 लोगों को आरसी रिकवरी सर्टिफिकेट इशू किया गया है।